गुजरात। श्री क्षत्रिय घांची समाज के दूसरी ऑनलाइन मीटिंग में कोरोना के संकट व अन्य परेशानियों पर चर्चा हुई। श्री क्षत्रिय घांची समाज की द्वितीय ऑनलाइन राष्ट्रीय मीटिंग में उठा समाज का राष्ट्रीय स्तर ग्रुप का मुद्दा। श्री क्षत्रिय घांची समाज की द्वितीय ऑनलाइन मीटिंग में पाली अध्यक्ष पारस भाटी द्वारा एक संपूर्ण देश में राष्ट्रीय स्तर का ग्रुप बनाने के साथ लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर जरूरतमंदों को बिना ब्याज के ऋण देने का प्रस्ताव रखा गया, जो लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर प्रमुखों द्वारा विचारणीय रखा गया है। साथ ही मीटिंग का मुद्दा यह था कि ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई अर्जेंट कार्य न हो तो राजस्थान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऑनलाइन मीटिंग में भाग ले रहे 90% समाज के अग्रणियों ने एक राय से बोला कि अगर कोई अर्जेंट कार्य ना हो तो जहां हैं वहीं रहना चाहिए। मुंबई में फंसे हुए ज्यादा जरूरतमंद और अर्जेंट जरूरी काम वाले समाज बंधुओं को अपने गांव भेजने के मुंबई अध्यक्ष द्वारा अपने स्तर पर हर संभव मदद मुहैया करवाने की जानकारी दी गई। उक्त मीटिंग में लॉकडाउन के चलते समाज बंधुओं को हो रही परेशानी का निराकरण और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए समाज के प्रमुखों द्वारा उचित उपायों मार्गदर्शन की जानकारी और अपनी तरफ से समाज बंधुओं को होने वाली हर तरह की परेशानी की मदद के लिए समाज के प्रमुखों द्वारा अपने अपने स्तर पर हर तरह की मदद और सेवा की घोषणा की गई। उक्त ऑनलाइन मीटिंग में पाली अध्यक्ष पारस भाटी, मुंबई अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, दिल्ली अध्यक्ष मोहन जी भाटी, भिवंडी अध्यक्ष नथमल सोलंकी, राष्ट्रीय सेना अध्यक्ष सुरेश भाटी, प्रवक्ता अखिल भारतीय घांची समाज सेवा संस्था हरिद्वार मीठालाल पवार चेन्नई, पुणे अध्यक्ष पोलाराम बोराड़ा, सूरत अध्यक्ष त्रिलोक चंद पवार के साथ मैसूर पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चंद निकुम, हैदराबाद अध्यक्ष रतन सोलंकी, छावनी मैसूर पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चंद निकुम के साथ समाज सेवी में शंकर सोलंकी, योगेंद्र भाटी, नेमी चंद देवड़ा, राजेश बोराड़ा, मैसूर के साथ सैकड़ों समाज बंधुओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन सुरेश भाटी और मनोज भाटी द्वारा किया गया। बात ये आ रही थी कि समाज के बंधुओं को सहयोग की जरूरत है, लेकिन कोई कारण से वो सहयोग मांग नहीं पा रहे हैं। आपके पास किसी का फोन आया, लेकिन किसी संस्था के पास या किसी संस्था के पदाधिकारी के पास फोन नहीं आया। तो एक ये ह्यूमन नेचर है, एक मानव स्वभाव है कि कोई भी आदमी अपने से या अपने समाज के लोग से सहायता राशि नहीं मांगता, या सहायता मांगने से उसको शर्म महसूस होती है। तो उसमें मेरी एक राय है कि हर संस्था को या हिंदुस्तान लेवल पर एक घांची समाज रिलीफ फंड बनाया जाए। उस रिलीफ फंड से कोई सहायता लेना चाहे या सहायता का हकदार हो तो उसको सहायता दी जाए, नहीं तो उसे लोन दिया जाए। तो उधार लेने में किसी को कोई शर्म की बात नहीं है। उधार अच्छे अच्छे पैसे वाले हर आज जैसे हम जैसे या इस अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए उसको उस हर आदमी के भी कहीं ना कहीं से उधार लिया हुआ है, चाहे वो बैंक से लिया हुआ है, चाहे वो होम लोन है, चाहे कार लोन है, चाहे बिजनेस लोन। तो लोन लेने में कहीं कोई शर्म की बात नहीं है। तो ऐसे जरूरतमंद आदमी को बिना ब्याज लोन देना चाहिए और वो जो संस्था है उस संस्था के फंड से देना चाहिए, या उसके लिए घांची समाज रिलीफ फंड एक नया बना दिया जाए, उस रिलीफ फंड में से उसको लोन दे दिया जाए। जब उसके पास सगवड़ हो तो उससे बिना ब्याज वो पैसा वापस ले लिया जाए। तो उसका जिस आदमी को जरूरत है उसकी पूर्ति आज की तारीख में हो सकती है। और ऐसी यदि कहीं कोई जरूरत हो तो हमें जरूर याद कीजिए, हम हमारी श्रद्धा के अनुसार उस रिलीफ फंड में पैसा देने के लिए तैयार है। चाहे हमारी फंड व्यक्तिगत रूप से लेना चाहो तो व्यक्तिगत रूप से दे देंगे, या हमारी संस्था के पास जो फंड है उसमें से चाहो तो उस फंड में से भी दे देंगे। धन्यवाद। गुजरात के संवाददाता पारस मोदी की रिपोर्ट।